गुड इवनिंग, माय नेम इज मुकेश विश्वकर्मा। आई वेलकम यू ऑन माय दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विश्वकर्मा सर। ये मेरे चैनल का नाम है, आप सभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से हो सके। तो डियर स्टूडेंट, जिस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा था उसका नाम है एक्टिव टू पैसिव। आज मैंने एक्टिव पैसिव ना लिख के एक्टिव टू पैसिव लिखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इन सेंटेंसेस को दिया जाता है। तो देख लेते हैं, जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। आप सबको पता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो चुका है या चुकी है। ये अगर आप चुकी है किसी गर्ल्स के साथ यूज कर रहे हैं, चुका है किसी बॉय के साथ में यूज कर रहे हैं, ये इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई। अब देखें, यहां पर राम किताब लिख चुका है, ये एक सेंटेंस है। इसमें आप देखिए यहाँ पर कि इसमें यह सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, और जो किताब है वो इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? सब्जेक्ट इसमें राम है, बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट के अंदर ये सब चीजें आती है। तो इसमें बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर जो है पैसिव बनाने की, ऑब्जेक्ट प्लस हैस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस वाय प्लस सब्जेक्ट। ये इस तरीके से आप इसका पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो, आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लिखी है मैंने पैसिव की। पैसिव की स्ट्रक्चर है, तो इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या है? फिर एक्टिव की जो स्ट्रक्चर है वो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसी की स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज हेयर प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है? एक चीज सब में करनी है, उसके बाद में यह सिंगुलर है और यह प्लूरल के लिए, तो दोनों यहां पर यूज किए हैं। प्लस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा यूज की है जिसको बोलते हैं बीन। ये पैसिव की विशेषता है कि इसमें बीन यूज होता है। और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट, तो आपको पता ही है जैसा कि हमने किया था। तो इस सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ कि राम किताब लिख चुका है, तो सेंटेंस इसमें किताब जो है वो अब इसका सब्जेक्ट बनेगी। मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस जो है राम किताब लिख चुका है, इसको मैं इंग्लिश में बना देता हूँ, राम हैज रिटन द बुक। चूंकि एक किताब की बात कर रहे हैं तो यहां पर हैज लगेगा, तो सेंटेंस बनेगा द बुक हैज बीन रिटन बाय राम। तो ये सेंटेंस पैसिव बन गया। मान लो यहां पर बुक्स होता तो यहां पर हैव बीन हो जाता। प्लूरल सेंटेंस में आपको इसी तरह से बनाना है, जैसे बुक्स हैव बीन रिटन बाय राम। ये इसका सेंटेंस बन गया। आप द बुक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल लगा दो आगे, द बुक्स हैव बीन। तो डियर स्टूडेंट, आज जो मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव, तो आप इन सेंटेंसेस को घर पर जरूर दोहराइए बैठकर। फिर भी अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर लिखिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठ सके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।